जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप में से जितने लोग सीटेट नहीं किए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, सीटेट का फॉर्म भरिए, सीटेट का एग्जाम दीजिए और सीटेट पास होके बेरोजगारों की संख्या और बढ़ाइए। तो फाइनली 2024 में जो सीटेट का एग्जाम होना है जनवरी 2024 में, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। और बड़े ही कठोर शब्दों में कहना पड़ रहा है कि आजकल केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैकेंसीज नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, जो लोग सीटेट नहीं क्वालिफाई किए हैं, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं वो तो शायद उनको थोड़ी सी समझ हो, शायद अपने आत्मसम्मान की थोड़ी सी परवाह हो, शायद उन्हें अपना आत्मसम्मान ये कहे कि दोबारा नहीं भरना, लेकिन फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं उनका आत्मसम्मान, उनका आसान शब्दों में कहें तो उनकी जमीर ये गवाही नहीं देगी कि वो दोबारा इस फॉर्म को भरे। बड़े ही दुख दर्द और पीड़ा के साथ ये कहा जा रहा है। फिलहाल नोटिफिकेशन यही है, न्यूज़ यही है कि सीटेट ने नोटिफिकेशन दे दिया है। सीटेट का ये आधिकारिक वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप पब्लिक नोटिस, आज की नोटिस पढ़ेंगे तो आपको साफ तौर पे यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि सीटेट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, सीटेट के इस फॉर्म को भरिए, सरकार के पूंजी में कुछ इजाफा करिए, सरकार के कुछ इनकम में इजाफा करिए, सरकार को कुछ पैसे दीजिए और साथ ही साथ सो कॉल्ड कोचिंग सेंटर के कोर्सेज को खरीदिए, उनके कस्टमर बनिए और उनकी जो किताबें सेल की जा रही हैं आप उसको बाय करिए। गारंटी बिल्कुल भी नहीं कि आपको भर्ती मिले, खासतौर पर अगर आप ऐसे राज्य से हैं जहां पे 2018 के बाद से अब तक एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई, फिर तो आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिरकार आप भी सीटेट करिए और सीटेट करने के बाद बेरोजगारों की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाइए। चलिए एक और रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग सीटेट कर चुके हैं वो तो डेफिनेटली फॉर्म नहीं भरने वाले हैं, मत भरिएगा, क्या मतलब है भर के। खैर अभी पढ़ लेते हैं बात, नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि सीटेट के इस नोटिफिकेशन का क्या कहना है और क्या लिखा है सीटेट ने नोटिफिकेशन में, कब एग्जाम कराएगी, कब फॉर्म भराएगा, कितने का फॉर्म भर रहा है। इस जब नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे ना, जब इनके बुलेटिन को पढ़ेंगे आप देखेंगे कि सीबीएसई जो सीटेट को कंडक्ट कराती है उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो चीजों को अपडेट कर दे, एज इट इज पुराना वाला उठा के चिपका देते हैं। ये भी नहीं मेंशन किया कि क्या बीएड वालों को प्राइमरी का फॉर्म भरवाएंगे कि नहीं भरवाएंगे। अभी भी एक पेपर का 1000 रुपए और दो पेपर का 1200 रुपए लिया जा रहा है, यानी कि अगर आप केवल सीटेट दो पेपर टू भी भरेंगे तब भी आपको 1000 रुपए भरना है। और जब बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया तो बीएड को प्राइमरी फॉर्म भरवा के मतलब ही क्या है, कम से कम उसके लिए कुछ डिस्काउंट कर देते आप जो केवल एक पेपर भर रहा है उससे तो आप आधा पैसे लेते हैं। लेकिन नहीं, आपकी कमाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी इनकम में कोई कमी नहीं होना चाहिए और वैसे भी तो आप तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट कराइए और फिर नौकरी के लिए बच्चे इधर उधर भटकेंगे क्या, नहीं मिलेगा। फिलहाल हम इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, फिर इस पर चर्चा जारी रहेगी, देखा जाएगा कि और बुलेटिन में इन्होंने क्या कहा, एलिजिबिलिटी में इन्होंने कहा क्या कहा, पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की बात की जा रही है, 21/1/2024 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट 18वां संस्करण आयोजित करेगा। 18th सेशन यहां पे स्टार्ट होने वाला है। यह परीक्षा देश भर के 135 शहरों के 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, मतलब पूरे देश भर के 135 शहरों में बेरोजगारों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाएगा। और परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन में शीघ्र ही सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी, मतलब उपलब्ध हो जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार, आप जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उनसे सीटेट अनुरोध कर रहा है, देखिए कैसे अनुरोध कर रहा है, क्या कह रहा है भैया, अनुरोध आपसे किया जा रहा है कि इसे डाउनलोड करें, केवल उपयुक्त वेबसाइट मतलब जो seated.nic.in है उसी से आप आवेदन करें, ध्यान से पढ़ें और सीटेट की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन होगा, ये कह रहा है ये नोटिफिकेशन। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी यानी कि 3 नवंबर से शुरू होगी और अंतिम तिथि 23/11/2023 यानी कि इसी महीने की 23 तारीख को अंतिम तिथि होगी। रात को अगर आप 12 बजे से पहले फॉर्म भर पाते हैं तो जरूर भर लीजिएगा। अब यहाँ पे यही नोटिफिकेशन को यहाँ पे अंग्रेजी में दे दिया गया है, यही आपका नोटिफिकेशन है और यही आपका यहाँ पे। चलिए देखिए, सीटेट ने ये कहा कि इन्हीं की आधिकारिक वेबसाइट से बुलेटिन को पढ़ना है, तो जरा हम चलते हैं इन्हीं की आधिकारिक वेबसाइट पे और डाउनलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को और देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, ये सारी चीजें वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। अगर आप देखेंगे
कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना है और कैसे पासवर्ड सेट करना है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों पे एग्जामिनेशन फीस का। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए एज इट इज जैसे पिछले साल रहता था वैसे ही, एक पेपर कोई भी देना चाहते हो, चाहे पेपर वन देना चाहते हो या पेपर टू देना चाहते हो, 1000 का आपको आपके जेब पे भार पड़ेगा, आपको 1000 का चूना लगाया जाएगा, सरकार की 1000 की कमाई होगी। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो 1200 रुपए की कमाई होगी। वही बात है ना कि हाफ प्लेट 80 रुपए का, फुल प्लेट 100 रुपए का। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लें कि कुछ रिजर्वेशन से कुछ यहाँ पे छूट आपको मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। मेन हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप नाम जो लिखना है आपको ये 10th के मार्कशीट के हिसाब से लिखना है, कोई नहीं बात। हम यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं कि सीटेट ने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख के दिया है। क्या लिख के दिया भैया यहाँ पे, अगर आप 6 नंबर देखेंगे तो 6 नंबर यहाँ पे लिखा है एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी के चलते हैं, देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी मेहनत करनी पड़ी सीटेट को आपको आपकी एलिजिबिलिटी बताने में। 11 अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद भी क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी में कुछ चेंज किया, क्या किया, कैसे किया, क्या उन्होंने इस चीज को मेंशन किया कि बीएड को प्राइमरी का फॉर्म भरवाएंगे कि नहीं भरवाएंगे। आइए जरा सीटेट की एलिजिबिलिटी यहाँ पे 6 नंबर पे थोड़ा चलते हैं, डायरेक्ट 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर में एलिजिबिलिटी का कॉलम बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा एलिजिबिलिटी का कॉलम। ठीक है, जनवरी 2024 का एलिजिबिलिटी का कॉलम देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपीयरिंग इन सीटेट आर एस नोटिफाइड बाई एनसीटीई। इनका अपना कुछ नहीं है भाई, जो एनसीटी कहता है वो इनको मानना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट वेबसाइट दिस टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी। अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी जाननी हो तो इनके वेबसाइट पे जाइए और जानिए। ये यहाँ पे ये नहीं मेंशन कर पा रहे हैं कि क्या वो बीएड को एलिजिबल करेंगे कि नहीं करेंगे, बट इन्होंने ऐसा सिंपली सा लिख दिया जैसे हर साल ये लिखते थे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। इसके हिसाब से, कौन से हिसाब से भैया? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी डिटरमाइन द मिनिमम। अब एनसीटी डिटरमाइन करता है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए फॉर पर्सन टू बी रिक्रूट एज अ एजुकेशन टीचर एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर इन द प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट कॉलेज। जो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज करता है, जो भी एनसीटी निर्धारित करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी होने वाली है। बीएड प्राइमरी होगा नहीं होगा कुछ मेंशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने क्या परिवर्तन किया कोई मेंशन नहीं। पैसे आप भरिए ना, आपको 1200 पे करना है पे करिए, परीक्षा दीजिए, नौकरी मिलना ना मिलना वो आपके जिम्मे और सरकार के जिम्मे। द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, क्यों लिखा गया उसको देख लीजिए। Should satisfy his her eligibility before applying and shall be personally responsible in case of not eligible to apply as per the given eligibility criteria. पहली बात तो eligibility criteria इन्होंने दिया ही नहीं है, और as per the given अगर कोई दिक्कत होती है तो खुद his or her वो जो candidate होंगे वो इसके लिए responsible होंगे। मतलब ये कि आप पहले एनसीटी में जाइए पढ़िए, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पे मेंशन कर सके, इट्स ओके, मगर फिर भी कोई गलती होती है तो आप इसके जिम्मेवार होंगे। इट इज टू बी नोटेड दैट इफ कैंडिडेट हैज बीन अलाउड टू अपियर इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट इट डज नॉट इंप्लीवाई दैट कैंडिडेट एलिजिबल हैज बीन वेरीफाइड। अगर आपको अप्लाई करने दिया गया, अगर आप वहां पे एक टीचर एलिजिबिलिटी में अपियर करने दिए, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई इस बात के लिए यहाँ पे एश्योरिटी नहीं है कि आप जो है एलिजिबल हो गए, आपका वेरीफाई हो गया, आप एलिजिबल हो गए टीचर। नहीं, ये तो बस ऐसे ही आप भरी बैठिए, भरी और जाइए, इस बात की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये वेरीफाइड नहीं करता कि अगर आप सीटेट में बैठ भी जाते हैं तब भी टीचर बन जाएंगे। बात समझ में आ रही? चलिए समझ जा करिए। द एलिजिबिलिटी शैड बी फाइनली वेरीफाइड बाई द कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसी अपॉइंटेड अथॉरिटी। कहने का मतलब है जब आपकी जॉब लगेगी, जब इनका एग्जाम्स होगा, पहले भर्ती आए, भर्ती आने के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद जो रिक्वायरमेंट कंपनी है, जैसे अभी बिहार में बीपीएससी ने कराया, तो बीपीएससी आपका वेरिफिकेशन चेक करेगी। मोटा मोटी कहने की बात यह है कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आपके पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, व्यर्थ करने के लिए अगर कहा जाए तो भी बुरी बात नहीं होगी, अगर आपके पास पैसे हैं व्यर्थ करने के लिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने के बाद जिन लोगों ने सीटेट नहीं किया, जिन लोगों ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया, अप्लाई करिए, मार्कशीट लीजिए और बैठ के नौकरी का इंतजार करिए। मैं आशा करता हूँ कि आपकी बुढ़ापे से पहले नौकरी जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। देखिए मैं एक सिंपली सी बात कह देता हूँ कि एलिजिबिलिटी का मतलब क्या। अगर भाई एक जनरल सी बात है, अगर आप एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, आपने जुलाई में भी चेक किया था, जुलाई से नवंबर तक कितने आपने कितनी भर्तियां निकाली, नहीं निकाली, फिर आप जनवरी में एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट की जाएगी, फिर अगले साल जुलाई में आप ऐसे ही अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते रहिए, सरकार को पैसे देते रहिए, भर्ती आएगी नहीं आएगी किसी को नहीं पता,
शिक्षा आयोग का गठन कब होगा किसी को नहीं पता, भर्ती कब आएगी किसी को नहीं पता, बाकी आप अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से सीटेट को पास करेंगे और बेरोजगारों की लिस्ट में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।